मंडी शहर में रेड़ी फड़ी वालों को पिछले 2 साल से लाइसेंस और पहचान पत्र जारी न होने और सर्वेक्षण तथा बैंडिंग क्षेत्रों की आदि सूचना जारी न होने के विरोध में आज यूनियन ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय के अंदर निगम की बैठक हो रही थी तो वहीं बाहर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर रेड़ी फड़ी वाले उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका नेतृत्व सीटू के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार शिरू ने किया। उसके बाद मेयर और सभी पार्षदों को मांग पत्र दिया और 10 दिन में मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। भूपेंद्र सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जब से मंडी नगर परिषद बनी है तब से अभी तक रेड़ी फड़ी वालों के लिए निगम लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं करवा पाई है। वहीं निगम में शामिल हुए नए क्षेत्रों में रेड़ी फड़ी लगाने वालों का सर्वेक्षण भी नहीं किया गया और उन्हें पुलिस हर रोज तंग करती है। ये जो नगर निगम पिछले 2.5 साल से मंडी शहर के अंदर जो बनी है, इस नगर निगम के कार्यकाल के अंदर जो रेड़ी फड़ी धारक हैं उनका जो सर्वेक्षण हुआ है, उनके जो लाइसेंस जारी होने हैं, उनको जो आई कार्ड जारी होने हैं, ये जो नगर निगम है 2.5 साल में इस काम को करने में भी नाकाम रही है। इसलिए आज हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए कि अंदर जो नगर निगम के जो पार्षद लोगों ने चुने हैं, जो मेयर चुने हैं, जो अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं, हमारा ये मानना है कि जो रेड़ी फड़ी वालों के रोजगार की रक्षा के लिए जो 2014 के अंदर संसद के अंदर जो कानून बना है, उस कानून की ये जो नगर निगम मंडी है ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको हम 1 सप्ताह का नोटिस देने आए हैं, मांग पत्र देने आए हैं और 1 सप्ताह के अंदर लाइसेंस जारी नहीं होते हैं, बेंडिंग नो बेंडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं होते हैं, तो इसी कार्यालय के बाद अनिश्चितकालीन धरना होगा। तब हम रेड़ी वाले यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं होती है।